प्रेयर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। टुडे आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर कुंभ राशि, जिनका जोडिक साइन एक्वेरियस है। उनका फर्स्ट मार्च से 15th मार्च तक का समय कैसा जाएगा, ये मैं अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनका कैसा जाएगा फर्स्ट मार्च से 15th मार्च तक का समय, क्या क्या होगा उनके साथ, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज हैं उनके लिए, और क्या चीज़ वो ना करें और क्या चीज़ वो करें और जो कि अच्छा हो और उनकी लाइफ अच्छी बन जाए। डिसीशन कोई अगर लाइफ में लेना है तो उसके लिए वो प्रिकॉशन क्या लें। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, मैं बता दूं कि कुंभ राशि के जो जातकों के लिए बहुत यहाँ पे आपको शांत रहना होगा इस वक्त। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधे से महसूस हों और फ्रस्ट्रेट हो जाएं, तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि यह ये कार्ड ये बताता है, ये स्टूडियस है। दैट मीन्स कि आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे होता है ना, स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और यह हो सकता है कि आप जर्नल्स या मैगजीन्स न्यूज़पेपर पे ज़्यादा ध्यान देने लगे कि आप मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है। तो इस तरह की भावना आपकी रहेगी और बहुत शांत माहौल में आप रहना चाहेंगे। चीज़ों को प्लान करेंगे, ऑफिस में अगर कोई चीज़ प्लान करनी है, हो सकता है बॉस आपको कुछ दें, घर में अगर हाउसवाइफ हैं तो प्लानिंग करके चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया ना कि आप बहुत ही बंधे हुए से महसूस करें, किसी चीज़ को बहुत लगेगा कि किसी ने मुझे बाउंड कर लिया है। जैसे कि घर की जिम्मेदारी भी कर लो और ऑफिस का काम भी संभाल लो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको लगेगा कि कोई जना मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है। और कॉन्फिडेंट रहेंगे लेकिन फिर भी, क्योंकि कार्ड यहाँ बता रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान देंगे, चुपचाप एकदम शांति से काम करिए और अपने काम पे कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो भी डिसीशन आप लेंगे वो बहुत कॉन्फिडेंटली आप लेंगे। इस वक्त कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या कोई ऐसा काम आपको दे, कोई बॉस आपको दे सकता है आपके ऑफिस में, या अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हो सकता है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिले कि हाँ ये तुमको करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। इस तरीके से काम सौंपा जा सकता है अगर आप हाउसवाइफ हैं घर में, तो जिम्मेदारियाँ जैसे देना, तो एक ईश्वर कृपा दिखा रहा है जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम आपको करना ही करना है। तो ये एक लक वाला कार्ड है, अच्छा कार्ड है, ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं गॉसिपिंग का शिकार हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा गॉसिपिंग का शिकार ना हो जाइएगा, पंचायत में बहुत ज़्यादा मत पड़ेगा, अपने काम से काम मतलब रखिएगा, कौन तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये कार्ड्स बहुत यहाँ पे एक नेगेटिव कार्ड बस आया हुआ है कि बंधे हुए से महसूस करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज कार्ड्स अच्छे हैं। गॉसिपिंग से बचे रहिएगा, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में जाके, जैसे मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया अपने आप को, ये मत करिएगा। आप अपने आप कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया है। आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है। चीज़ों को लेके प्लानिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि प्लानिंग, बिना प्लानिंग के काम मत करिएगा कोई। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।